चलिए अब हम क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस फोर्थ पार्ट में हमें जो ये दो इक्वेशंस गिवन है, हम इस पहले इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं एंड इस दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड सपोज कर देते हैं। तो लिखते हैं लेट 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, जो कि हमारा पहला इक्वेशन है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। एंड जो हमारा दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, हम इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड इक्वेशन में हमें जितने भी नंबर्स गिवन है सभी नंबर्स में पॉइंट लगा हुआ है एंड सभी नंबर्स में पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है। आप 0.2 को देखिए, पॉइंट के बाद में सिर्फ एक नंबर है 2। आप 0.3 को देखो, पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है 3। तो हमने देखा कि इस फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड इक्वेशन में जितने भी नंबर्स हमको गिवन है सभी नंबर्स में पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है। अगर हम क्वेश्चन को पॉइंट के साथ में ही सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन पॉइंट्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं इनको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। और क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में जितने भी नंबर्स हैं उनमें पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाय 10, वी गेट। तो जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पहला टर्म है 0.2x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो पॉइंट है वो एक राइट हैंड साइड की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा ये पहला टर्म हो जाएगा 2x। तो हमारा ये पहला टर्म हो जाएगा 2x। फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर यहां पर है 0.3y, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक राइट हैंड साइड की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y। फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। फिर जब हम 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 13। तो यहां पर हमने इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है, तो हम इस इक्वेशन को कहेंगे 1'। चलिए अब हम इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सभी नंबर्स पर जो पॉइंट लगा है वो एक राइट हैंड साइड की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो यहां पर हमने सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके एक और इक्वेशन बना लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 2'। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेकर के x या y की वैल्यू को फॉर्म करेंगे। तो चलिए हम इक्वेशन 1' को लेते हैं एंड x की वैल्यू को फॉर्म करते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1' एंड हमारा 1' है ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y इज इक्वल्स टू 13। हम इस प्लस 3y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 13 माइनस थ्राइस ऑफ y। अब देखिए यहां पर 2x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये 13 माइनस 3y के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस थ्राइस ऑफ y अपॉन 2। अब यहां पर हमने इक्वेशन 1' से x का वैल्यू फॉर्म कर लिया, क्योंकि यहां पर हमने x का वैल्यू इक्वेशन 1' से फॉर्म किया है, तो हम इस इक्वेशन को 1" कहेंगे। ठीक है, हमने यहां पर x का वैल्यू इक्वेशन 1' से फॉर्म किया है, इसलिए हम इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1' में पुट अप नहीं कर सकते, हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2' में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1' इन इक्वेशन 2', वी गेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो इक्वेशन 2' है वो है 4 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू 23। हम इस इक्वेशन 2' में x की जगह पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमारा ये इक्वेशन 2' हो जाएगा 4 टाइम्स x की जगह पर आएगा x का वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2, आगे है प्लस 5y,
फिर है इक्वल्स टू 23। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब जब हम इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है 2, तो हम 2 से ब्रैकेट के भीतर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 13 जो हो जाएगा 26। फिर जब हम 2 से -3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6y, फिर है +5y इक्वल्स टू 23। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहां पर हमारे पास में है -6y +5y, -6y +5y हो जाएगा -y। अब हम इस 26 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब राइट हैंड साइड में हो जाएगा 23 -26, तब हमारे पास में आएगा -y इक्वल्स टू 23 -26 यानी कि -3। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में आएगा y इक्वल्स टू 3। तो यहां पर हमारे पास में आ गया y इक्वल्स टू 3। तो यहां पर हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 डैश या इक्वेशन 2 डैश या इक्वेशन 1 डबल डैश, इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं। हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 डबल डैश में पुट अप करते हैं। तो लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 डबल डैश। हमारा इक्वेशन 1 डबल डैश है x इक्वल्स टू 13 माइनस थ्राइस ऑफ y। y की जगह पर हम y की वैल्यू 3 को पुट अप करेंगे एंड अपॉन में है 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर है 13, फिर है माइनस 3 जो होता है 9, फिर अपॉन में है 2। 13 माइनस 9 होता है 4, अपॉन में है 2। जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो यहां पर हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 2। तो हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 2। तो यहां पर हमने x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया। तो यहां पर हमारे पास में इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर।